क्या भारतीय क्रिकेट को है अत्यधिक की समस्या? अच्छा इंग्लिश में बोलता हूं, डू इंडियन क्रिकेट टीम हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी? आज वसीम जाफर ने बड़ी ही टेक्निकली सही बात कही और मैं सोच रहा था कि वो उनकी बात किस हद तक सही है और शायद इस बारे में ज्यादा किसी क्रिकेट फैन, एनालिस्ट या इनफैक्ट बीसीसीआई ने भी ध्यान नहीं दिया। भारतीय क्रिकेट टीम इस समय एक ऐसी टीम है जिसके पास 50 से 60 ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी टीम को विजय बना सकते हैं किसी भी जमीन पर। समस्या यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम बड़े मौकों पे अक्सर नाकाम रहती है। अभी न्यूजीलैंड से हमारी वनडे सीरीज समाप्त हुई और देखिए वनडे सीरीज जो हम आमूमन जीतते हैं ओवरसीज कंट्री में हार गए। साल की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका ने भी हमारा 3-0 से सफाया किया था और अब बस 10 से 11 महीने दूर रह गए हैं आईसीसी क्रिकेट विश्व कप को, जो कि 50 ओवर का गेम है। तो आई हैड थॉट अ लॉट अबाउट इट और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि समस्या क्या है। भारतीय जो सेलेक्टर्स है, जो मैनेजमेंट है, वो 50-60 खिलाड़ियों को फिलहाल उन्होंने एक पूल में रखा है और जैसे जैसे जरूरत पड़ती है जो कि फिट होता है उसको मौके दिया करते हैं। पर समस्या ये आती है कि जो हमारा मेन प्लेइंग 11 है, जो हमारी बी टीम है, जो भी लोग उसको टर्म करते हैं, कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट भारतीय टीम को करते हैं। और कोई भी खिलाड़ी जब भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करना शुरू करता है तो ये सोचता है कि शायद अब वो भारतीय टीम का परमानेंट मेंबर बन जाएगा। पर भारतीय क्रिकेट टीम जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है उन खिलाड़ियों को आजमाती है जिनके पास अनुभव ज्यादा है। पर समस्या बार बार एक चीज ही आकर फंसती है, जब बड़ा मौका आता है तो खिलाड़ी बड़े मौकों में दबाव से उनकी जो क्षमता होती थी वो कम हो जाती है। लाइक दिनेश कार्तिक, हमने देखा आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया बट एंड मौकों पर उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। लाइक वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत फेल्ड अगेन। जो हमारा बॉलिंग लाइनअप है, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे पास, मैं उसमें कोई शिकायत नहीं कर रहा। पर समस्या ये है कि जब ये खिलाड़ी लगातार क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो समस्या होगी। मैं इंग्लैंड की बात करूंगा। इंग्लैंड की टीम में स्टोक्स से साफ कर दिया, भाई मैं वनडे नहीं खेलूंगा, मैं टेस्ट और टी20 खेलूंगा। बट जब वो कहते हैं कि मैं टेस्ट और टी20 खेलूंगा तो वो किसी भी श्रृंखला से रेस्ट नहीं लेता, चाहे वो उनकी घरेलू श्रृंखला हो और चाहे वो कहीं ओवरसीज गए हो, चाहे बांग्लादेश हो सामने, चाहे अफगानिस्तान हो और चाहे सामने ऑस्ट्रेलिया हो। भारतीय क्रिकेट टीम की मैं बात करता हूं, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली हमारे अच्छे महान खिलाड़ी हैं। पर समस्या यही आती है बार बार कि जब भी कोई ऐसी सीरीज आती है जो हमको लगता है थोड़ा सा इजीली जी सकते हैं, हम मौका दे देते हैं यंग फ्रेंच प्लेयर्स को। पर इससे हमारा एक फायदा होता है कि हमारा जो पूल है वो बड़ा होता है, पर उससे बड़ा नुकसान होता है जो बहुत लोग देख नहीं पा रहे हैं और मुझे लगता है कि उनको दिखाने का सही वक्त यही है कि हम एंड मौके पे उन खिलाड़ी जो खिलाड़ी हमारे मेन खेल रहे होते हैं उनके पास इतना मैच का एक्सपीरियंस ही नहीं होता। अब रोहित शर्मा पिछले हमारे वनडे कप्तान है पर पिछले 4 वनडे सीरीज से कप्तान हमारे शिखर धवन और केएल राहुल रहे। मैं बात करूंगा विराट कोहली की तो विराट कोहली ने भी आखिरी बार वनडे क्रिकेट 5 महीने पहले खेला था। जसप्रीत बुमराह ज्यादातर आईपीएल खेलते हैं और जब भारतीय टीम के लिए खेलने आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो जाते हैं। अगेन केएल राहुल सेम स्टोरी। और ये हमारे मेन वर्ल्ड कप के खिलाड़ी हैं जिनको अपनी मेन स्क्वाड में देखते हैं। तो समस्या ये है कि हम इतने सारे फ्रेंच प्लेयर ट्राई करते हैं, शुभमन गिल को ट्राई कर रहे हैं, हम उमरान मलिक को ट्राई कर रहे हैं, पर जब एंड मौका आएगा तो हम फिर से वो टीम ले आएंगे जिसे बहुत समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट वो फॉर्मेट नहीं खेला स्पेसिफिकली। तो मुझे लगता है कि अगर भारतीय टीम ने अगला साल विश्व कप जीतना है तो उनको जल्द से जल्द सारे खिलाड़ियों को ये कहना है, भाई संदेश देना है, आपको रेस्ट लेना हो आप आईपीएल में लीजिए या आप कोई भी एक सीरीज चुन लीजिए, रेस्ट ले लीजिए दो महीना, बट कंटिन्यूअसली क्रिकेट खेलना है। केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउथी, स्टीव स्मिथ, आप किसी भी खिलाड़ी का मैं भी नाम लूंगा, आप कहोगे हाँ वो लगातार रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को। हमारे खिलाड़ी ज्यादातर लेस रहते हैं और कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार बोर्ड और सिलेक्शन कमिटी है कि वो उस चीज को परमिट करते हैं। मुझे लगता है मेरी इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि भारतीय टीम बड़े मौकों पर सफल क्यों नहीं हो पाती है। और आज बहुत ही सही बात वसीम जाफर ने कही और मैंने उस बारे में और सोच के और आप लोगों को कुछ पॉइंट दिए। अगर आपको उस पर चर्चा चलानी हो तो कमेंट जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय।